जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अली अजीम सर्विसेज से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो सेगमेंट है, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट। हमारे साथ शहरयार खान ऑल द वे फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड अ लवली स्टूडेंट टू मी एंड अ वेरी वेरी लीनियंट बॉय ऑफ कोर्स। और मुझे जाती तौर पे मुझे इंतजार था कि ये हमारे साथ आए, चूंकि जो एक्सपेरिमेंट स्टूडेंट वीजा पे ये ऑब्वियसली आपसे शेयर करेंगे, these are apt and exact experiments कि जो students Australia move करते हैं। और Ali Azim Services channel जो है वो हमेशा forefront पे है और हमेशा से आपके लिए ऐसी videos लाता है जिससे आप जब move करेंगे Australia में तो practicality आपके सामने होती है, एक practical vision आपके सामने होता है। हमारे जितने भी बच्चे और students के हुए हैं जिनमें शहरयार भी है और अराउंड सवा दो साल से ये ऑस्ट्रेलिया में है और आई थिंक ही कैन शेयर हिज एक्सपीरियंस विद अस। तो हम शुरू करते हैं ऑब्वियसली शहरयार से, क्योंकि इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में काफी लेट भी है, इन्होंने रेस्ट भी करना है। तो शहरयार सबसे पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन थोड़ा दीजिएगा, देन वी कम टू द क्वेश्चन जो ऑडियंस सुनना चाहती है। सबसे पहले तो थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला और सॉरी लास्ट टाइम के लिए, मैं थोड़ा आगे पीछे हो गया था, तो बस फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गए अब। तो सर बस दो ढाई साल पहले मैं ऑस्ट्रेलिया आया हूँ। जैसे कि आपने मुझे सजेस्ट किया कि जी पर्थ बहुत बेहतर है, तो यकीनन पर्थ में मैं आया हूँ, तो एज कम्पेयर टू मेलबर्न, सिडनी और बाकी सिटीज के काफी बेहतर है पर्थ जो है, अकॉर्डिंग टू जॉब्स, स्टडी और मतलब लिविंग एक्सपेंसेस और सारी के हिसाब से ना पर्थ जो है काफी बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ कहती है ना, हमें तो प्रॉब्लम ये होती है कि यार कि बचना चाहिए, तो वो बच भी जाता है अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, फीस भी हो जाती है अल्लाह का शुक्र है, हर चीज हो जाती है, बंदा अपने एक्सपेंसेस हर चीज निकाल लेता है अच्छे तरीके से। बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं कि जब हम वीजा ले लेंगे वहां जाते ही ऑस्ट्रेलिया में, हमें किस तरह का जॉब मिलेगा, हमारी अकोमोडेशन कैसे होगी। तो थोड़ा सा स्टूडेंट को बताइए जो सुनने वाले हैं, चूंकि यू बीन रियली पासिंग थ्रू द प्रोसेस योरसेल्फ और इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम फॉर यू, तो मुझे बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आते ही कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हैं, किस तरह की जॉब्स उनके लिए अवेलेबल होती हैं और अकोमोडेशन का भी बताइएगा क्या उनका एक्सपेंस होता है। सर ये तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है मेरे से क्योंकि जब मैं आ रहा था ऑस्ट्रेलिया तो ऑब्वियसली आपने मुझे सारा गाइड किया था कि भाई इसी तरह की जॉब होंगी, तो वही आपकी बात को एक्सटेंड करते हुए मैं यही कहूंगा कि सबसे पहले तो और जॉब्स आती हैं, ठीक है। अब जो भी स्टूडेंट, मेरा दोस्त आपने रजा से बात हुई, आपकी मेरा क्लास फेलो है, अपना बैचमेट था वो, ठीक है, मेरे साथ वो रह रहा है, तो मैंने जिस भी बंदे को या बच्चे को जिसको भी सजेस्ट किया ना यहाँ पे आने का, मैं उसको नहीं कहता कि यार आप रेस्टोरेंट में जॉब करो या आप कोई स्वीपिंग की जॉब करो या डिश क्लीनिंग करो, मैं उसको कहता हूँ कि यार आए हो, ठीक है, अपना ऊबर ईट्स का अकाउंट खुलवाओ, ठीक है। ऊबर ईट्स एक डिलीवरी की जॉब है, आपने रेस्टोरेंट से उठाया, बंदे को दे दिया, पैसे आपके आ गए और वीकली आपको पेमेंट आ जाती, ठीक है, कोई उसमें किसी की बात सुनने की बात नहीं है उसमें, ठीक है, किसी की खींच खींच नहीं है, कोई आपको नहीं कहेगा ये करो वो करो, ठीक है, एक हैंडसम इनकम है, आपका काम है जब मर्जी उठ के जाएं, जब मर्जी जाना है जाए, नहीं जाना ना जाए, पैसे आपको आएंगे अगर आप काम करेंगे तो। तो इसी तरह उसने माशाल्लाह से जॉब की है, वो करता रहा ऊबर ईट्स, उसने पहले 5-6 महीने जॉब उसने करता रहा ऊबर ईट्स, ठीक है, उसने अपनी माशाल्लाह फीस निकाली वहां से, सिर्फ ऊबर ईट्स करके ही फीस निकाली, ठीक है, और अपने एक्सपेंसेस चलाता रहे, रेंट देता रहे, हर चीज करता रहे। तो मेरा एक दोस्त है बांग्लादेश का, तो उससे मेरी बात हुई, मैं जब नया नया आया तो वो बंदा मुझे कहता है कि यार मैं ना दिन में 6 घंटे ऊबर ईट्स करता हूँ, ठीक है, तो मेरा जो वीकली का जो मुझे पे आती है ना ऊबर ईट्स की ये 6 घंटे करने से, वो मुझे $1400 आते हैं एक वीक के। मैं परेशान हो गया, मैंने कहा यार हम भी काम करते हैं भाई, तू कौन सा काम कर रहा है। लेकिन ये है कि एट द एंड ऑफ द स्टोरी ये है कि ऊबर ईट्स भी एक बहुत अच्छी आपको सोर्स ऑफ इनकम है, एज कम्पेयर टू आपने अगर किसी रेस्टोरेंट का जॉब करनी है, नहीं दिल कर रहा यार ना करो, ऊबर ईट्स कर लो, बहुत अच्छी ऑप्शन है। सेकेंडली आता है रेंट की बात, रेंट ऊबर ईट्स से रेंट बहुत इजिली आपके खर्चे निकल जाते हैं, घर भी भेजना हो आप थोड़ा बहुत काम ज्यादा करके आप भेज सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडली जो यहाँ पे पर्थ में स्पेशली जो है ना WA में, सबसे बेस्ट ऑफ बेस्ट बात यह है कि यहाँ के रेंट बहुत कम है एज कम्पेयर टू सिडनी, मेलबर्न और बाकी सिटीज की। तो यहाँ पे अगर आपको फॉर एग्जाम्पल 400 हफ्ते का आ रहा है ना, तो आपका एक 2 वीक्स का जो रेंट है वो 200 है, ठीक है,
तो 800 आपको 2 वीक्स का आ रहा है, 200 आपने अपने रेंट दे दिया, तो बाकी तो आपकी सारी सेविंग है, आपने खर्चा अपना करना है। तो ऐसे में तो बाकी सिटीज के यहाँ पे खाने की चीजें भी सस्ती हैं, बहुत ज्यादा रेट्स नहीं है, ठीक है, नॉर्मल है प्राइजेस, घर में पकाएं तो वो और खर्चा कम आ जाता है आपको। फिर सेकेंडली इसके बाद आती है सिक्योरिटी ऑफिसर की जॉब, जो कि आपको कोर्स करना पड़ता है 2-3 वीक्स का, ठीक है, उसके बाद लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, ये है ऑलमोस्ट ना 1 to 2 months का प्रोसेस है कंप्लीट। तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है, जितने भी जॉब दोस्त हैं मेरे जिन्होंने मेरे साथ किए हैं, जो अगले आगे कर रहे हैं सिक्योरिटी की जॉब, सारे कर रहे हैं, मैं भी इस वक्त अच्छा, विल्सन ये जो सिक्योरिटी एक बेसिक कंपनी। परसेप्शन है ऑस्ट्रेलिया का कि आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं तो अगले सेमेस्टर की फीसें निकालना मसला नहीं होता, तो प्रैक्टिकली आपने देखा है कि ये सच है? स्टूडेंट्स को ये गाइड करना चाहिए हमें कि जी हाँ, जॉब इशू नहीं है ऑस्ट्रेलिया में और आप अगला सेमेस्टर जो है वो अपना कर सकते हो इजीली। बिल्कुल। सेकेंडली सर, इसमें बात ये आती है कि बंदा कितना मेहनती है, हाँ ठीक है, अगर तो काम मिल रहा है बंदे को और बंदा काम नहीं कर रहा, तो फिर तो फीस नहीं निकलेगी, ठीक है, किसी ने तो आके ये तो नहीं कहना कि यार अकाउंट दो मैं पैसे सेंड कर दूं। तो बंदा जितना मेहनती है ना यहाँ पे, उतने ही जल्दी को फीस कर लेता है। और इसमें कोई मैंने अभी तक लड़का नहीं देखा या किसी का मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि जिसने मुझे कहा हो कि यार मेरी फीस नहीं निकली यूनिवर्सिटी। सारे अल्लाह का शुक्र है, जॉब कर रहे हैं, मेहनते कर रहे हैं, ठीक है, तो फीसें भी निकाल रहे हैं, अपने खर्चे भी पूरे कर रहे हैं, बाकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो भी कर रहे हैं, आगे पीछे घूम फिर रहे हैं। कोई ऐसा कहे ना बंदा कि यार फीस नहीं निकलती, तो वो उसकी अपनी गलती है कि फीस उसकी अपनी गलती से नहीं निकलती। यार मुझे ये बताइएगा, जो यहाँ पे जॉब्स हैं आती, जाहिर है और जॉब्स होती हैं, कोई व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं होते, अब जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, अगर वो ऑस्ट्रेलिया मूव करें फीमेल स्टूडेंट्स, तो डू यू फाइंड कि जो जैसे पाकिस्तान में थोड़ा सा क्लास डिफरेंस होता है, जेंडर डिफरेंस होता है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में भी ऐसा ही है, या फीमेल्स भी इक्वालिटी पे काम करती हैं और उतना ही पैसा अर्न करती हैं जितना मेल्स? सर इक्वेलिटी पे काम करती हैं, लेकिन डिपेंड करता है जॉब पे। यहाँ पे अगर तो जैसे आप कह लें कि कार वॉश की जॉब है, ठीक है, वहां पे तो लड़कियां मैंने ना आज तक देखी हैं, और क्योंकि थोड़ी हार्ड जॉब है ना वो वहां पे लड़के ही मैंने देखे हैं और लड़के ही वो कर सकते हैं, ठीक है, लड़कियां को एज कम्पेयर वो समझते हैं कि यार थोड़ी नाजुक हैं इसलिए वो जॉब में थोड़ा मसला करते हैं वहां पे। लेकिन सबसे बेटर बात यह है कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, ठीक है, बेतहाशा स्टोर्स हैं, ठीक है, वहां पे लड़कियों को जॉब लेना कोई मुश्किल नहीं है। हालांकि मेरे घर के ऑलमोस्ट आप कहने 5 मिनट की ड्राइव है, वहां पे पाकिस्तानी लड़कियां जॉब कर रही हैं, क्या रिटेल स्टोर्स हैं, ठीक है, जॉब कर रही हैं, तो पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं, नेपालीज हैं, तो कोई इसमें रिटेल में कोई इशू नहीं है लड़कियों को जॉब लेने का, इजिली मिल जाती है, प्रॉपर उनको अनलेस रिस्पेक्ट भी अप्लाई मिलता करें। है, प्रॉपर जी रिस्पेक्ट जी भी बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल कोई ऐसा नहीं है कि कोई लेसे कोई डेरोगेटरी बिहेवियर हो या कोई। नहीं, कोई बिल्कुल ऐसी बात ही नहीं है कि मतलब कोई रेसिज्म हो या कोई ऐसा कुछ हो, कुछ भी नहीं, ठीक है। लेकिन वो आपको पता है कि जिस तरह जंकी टाइप बंदे होते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि किस तरह के इलाके में है, किस तरह के नहीं है, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सबर्ब्स आर इनोसेंट और डिसेंट है, ठीक है, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, कोई लड़की आ जाए, कोई लड़का आ जाए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि एज फार एज दे आर ह्यूमन बींग्स सो दे आर फाइन। अच्छा, गुड टू नो, बट मुझे ये बताइएगा कि आपने भी मुझसे एक क्वेश्चन किया था जब आप ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट लेने लगे थे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, शायद आपके मुंह से सुनेंगे उन्हें ज्यादा ट्रस्ट आएगा, बिकॉज यू आर इन ऑस्ट्रेलिया, तो कितने डॉलर्स वो साथ लेके आए पहले जब वो फ्लाइट लेकर के आए, तो कितने डॉलर्स हों कि वो इजिली फिर एडजस्ट भी कर लें और जॉब मिलने तक वो टाइम भी पास कर लें, तो कुछ ये बताइएगा कि स्टूडेंट नॉर्मली कितने डॉलर अपने साथ लेके। बिल्कुल सर, सबसे पहले तो यहाँ पे जॉब उस बंदे को मिलती है जिसके पास अपनी कन्वेंस है, ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आके बंदे ने गाड़ी ली, गाड़ी छोटी हो बड़ी हो डजेंट अच्छा, मैटर, वो बता ठीक है दें जरा स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए कि वो कितने तक की मिल जाती जी। उसमें आजे की 1100-1200 डॉलर की मिनिमम गाड़ी? भी आप करेंगे ना, अब 700-800 की भी आ जाती है, वो डिपेंड करता है बंदे पे कि यार कितने की लेनी है, लेकिन आ जाती है विद इन 1000 डॉलर भी गाड़ियां आ जाती ठीक है, है, ठीक है। और मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि साथ अगर जिस बंदे ने लेके आने हैं वो मिनिमम 15 to 2000 डॉलर लेके आए, और अल्लाह का शुक्र है कि इतने पैसों से एक प्रॉपर गाड़ी लेके आप अपना काम और सारा कुछ सारे प्रोसेस स्टार्ट कर लेते, तो गुड कोई बंदे को प्रॉब्लम नहीं आती। गुड हो गया, गुड हो गया, ठीक हो गया। तो अब मुझे ये बताइएगा कि जब पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते हैं, जाहिर है हमारे माए बहने और जो बाप हैं
जब बच्चे पास होते हैं तो दे आर वेरी मच यू नो, उनको होता है कि हमारे बच्चों को तकलीफ ना हो. तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान से वो लेके, और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ऑस्ट्रेलिया से इजीली वो अवेल हो जाती है? ये बड़ा सादा सा सवाल है, लेकिन ये हर स्टूडेंट के जहन में होता है जिसका वीजा लग जाता है. तो क्या ऑस्ट्रेलिया में भी उन्हें पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स इजीली मिल जाते हैं कि वो वहां से परचेज कर लें, या बहुत बड़ा बोरिया बिस्तर बांधे और ले आए सब कुछ? सर मैं जब आया हूँ ना, मैं अपना बताता हूँ कि मैं जब आया हूँ तो मुझे घर वालों ने रजाई भी दी है साथ, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि भाई तू रजाई लेके जा, तो मैं रजाई साथ लेके आया हूँ अपनी. लेकिन यहाँ पे हर चीज मिल जाती है, रजाई भी है, हर चीज है, मतलब कोई इतना इश्यू नहीं है. लेकिन अगर जिस बंदे ने अपनी सेविंग करनी है, ठीक है, तो वो अगर कहता है कि नहीं यार बहुत महंगा होगा, ठीक है, तो पाकिस्तान से भी वो रजाई लेके आ सकता है, ठीक है, जिससे मैं लेके आया हूँ. तो बाकी जो भी, मतलब अगर, तो दो ऑप्शन है ना, कि या तो यहाँ पे आके ले लें क्योंकि यहाँ पे हर चीज मिलती है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो यहाँ पे आके नहीं मिल सकती, ठीक है. तो लोग समझते हैं कि यार पाकिस्तान में, लोग समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो पता नहीं खाने के लिए मसाले हो या रजाई हो या रसन तकिया हो या कोई कुछ हो, पता नहीं हो या ना हो, पता नहीं लोग वहां पे कैसे रहते हैं. ऐसा कुछ नहीं है, हम वैसे ही यहाँ पे रहते हैं जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो कोई ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. एंड पे और मैं आपसे एंड पे रिक्वेस्ट करूंगा शहरयार के, आप अली अजीम सर्विसेज जो चैनल है हमारे यूट्यूब, उस पे जो सब्सक्राइबर्स हैं जो हमें देखते हैं, उनके लिए मैसेज कोई दे दीजिए. अगर वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ जो है वो स्टैंडिंग सेंटेंसेस मैसेज क्या होगा आपकी तरफ से जो हमारे चैनल के थ्रू तक जाए? सबसे पहले सर मैं कहूंगा कि वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है सर आपकी, ठीक है. मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी कोई बाहर के बंदे से बात कर रहा हूँ, ठीक है. आप बड़े भाई हैं मेरे, तो बहुत अच्छी एडवाइस है, ठीक है. आपकी जो एडवाइस देते हैं, जो आपने मुझे बताया, वो ही मेरे साथ आगे फेस अब मैंने किया, ठीक है, और इजी हो गया मेरे लिए. तो यही है कि बेहतर के ऑब्वियसली बंदे को जब पहले चीजें पता हो तो चीजें लाइफ अच्छी गुजर जाती है. तो सेकेंडली आपके सामने वीजा मेरा एक दिन में आ गया था, ठीक है, वो आपकी ही मेहरबानी है सारा कुछ, कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर बताए, सारा कुछ मैंने प्रोवाइड फिर किया, फिर उसके बाद सारा वीजा प्रोसेस हो गया. तो मैं तो यही सजेस्ट लोगों करूंगा कि बहुत कंसल्टेंट्स तो बहुत होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टूडेंट के प्रॉब्लम्स को और स्टूडेंट के काम को प्रॉपर तरीके से करना ही कंसल्टेंसी होती है, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से अल्लाह का शुक्र आती है, ठीक है. तो जैसे कि मैंने अपने काफी दोस्त आपको रिकमेंड किए, उनको रिकमेंड किया आपको, तो वो अल्लाह का शुक्र है यहाँ पे है. अभी एक दोस्त और आ रहा है, वो भी इंशाल्लाह आपके पास ही आएगा. तो मैं तो सबको, यहाँ भी दोस्त हैं मेरे तो पूछते हैं, तो मैं यही कहता हूँ कि भाई सर अली अजीम है, उनके पास जाएं तो कोई इशू नहीं है, आपको सारा काम हो जाएगा. तो ऑब्वियसली तो आपकी अपनी अच्छी नीयत होती है, आप लोग खुद भी डाउन टू अर्थ हैं और रियली बिलोंग टू गुड फैमिलीज, और बस ये कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे और कामयाब रखे. हमारी बेस्ट विशेज आपके साथ हैं. तो नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि किस तरह से स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट जो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट कर रहे हैं इन कंट्रीज में जहाँ पे आप जाने की ख्वाहिश रखते हो, और वो स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिकली वहाँ पे रह रहे हैं और एक दो दिन या एक दो माह से नहीं रह रहे, सालों से रह रहे हैं, और दे हैव द बल्क ऑफ एक्सपीरियंस इन लिविंग दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड द पर्पस इज कि आपके सामने वो रियलिटी लेके आई जाए कि जब आपने वीजा लेके उन कंट्रीज में जाना है तो कौन से ऐसे ऑब्स्टिकल्स हैं, कौन से ऐसे हैम्परिंग्स हैं, या कौन सी ऐसी डिफिकल्टीज हैं जो आपको फेस करनी है. बिकॉज आप लाहौर से उठ के गुजरा वाला भी अगर जाते हो तो आपको एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो ये तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो इतने घंटों की फ्लाइट लेके, बिल्कुल टोटल डिफरेंट एनवायरमेंट है, डिफरेंट कम्युनिकेशन और लोग हैं. लेकिन ये जो लोग आपके सामने स्क्रीन पे आते हैं, जो स्टूडेंट वहां पहुंच चुके हुए ना, इनसे बेहतरीन एक एग्जांपल आपके लिए नहीं हो सकता जब ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं. और यही हमारा मोटिव है, यही हमारा पर्पस है कि आपके सामने सच आता रहे और ऑप्टिमल लेवल पे आपको हम अपनी सर्विसेज देते रहें. सो शहरयार, थैंक यू रियली वेरी मच फॉर योर टाइम, और आई नो कि काफी ये लेट भी है इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ये आपकी मोहब्बत है कि आपने वक्त निकाला और स्टूडेंट्स को टाइम दिया. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर टाइम. थैंक यू सर. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज सर. थैंक यू.